आज हम एक्सटीएमएल एलिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। एलिमेंट क्या होता है कि जो हमारा टैग होता है उस टैग स्टार्ट से लेके एंड तक जितनी सारी चीज़ें होती हैं उसमें वो सभी एलिमेंट में कंसिडर हो जाती हैं। जैसे कि H1 स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसमें कुछ कंटेंट है और वो एंड हुआ, तो ये सब एलिमेंट में आ जाता है, वो एलिमेंट में आ जाता है। उसके जैसे कि H1 जो है वो स्टार्ट टैग, वो एंड होता है, तो वो एंड तो आपको पता है H1 कैसे एंड होता है, वो एंड टैग और जिस बीच में जो आते हैं वो एलिमेंट कंटेंट बोलते हैं उसको, एलिमेंट कंटेंट बोलते हैं। जैसे कि मैंने देखो H1 लिखा है, वो स्टार्ट टैग है, यहाँ गलती से मेरे इसमें रह गया है वो क्लोज करना है H1, लेकिन जो क्लोज का सिंटैक्स वो एंड टैग है, मेरा गलती से रह गया है वो, आप उसको क्लोज टैग कंसिडर कीजिए। वो एलिमेंट ये जो है वो एलिमेंट कंटेंट है, एलिमेंट कंटेंट मतलब फर्स्ट टैग, उसके बाद एलिमेंट कंटेंट और उसके बाद एंड टैग, ये हुआ एलिमेंट कंटेंट और यह हुआ एंड टैग। ये या एंड करना मैं भूल गया, आप कंसिडर कर लीजिए एंड टैग, मतलब ये और ये एंड, स्टार्ट और एंड, और बीच में एलिमेंट कंटेंट, बीच में एलिमेंट कंटेंट ये होते हैं। और बॉडी टैग, बॉडी टैग के अंदर जो होते हैं वो बॉडी के एलिमेंट होते हैं, और ए एच वन और एच टू ये हेडिंग के एलिमेंट, मतलब हेडिंग एलिमेंट होते हैं, ऐसा एलिमेंट है एग्जैक्ट। अब ये जो पूरे हो गए वो ये पूरा ये बॉडी टैग के एलिमेंट है, जो पूरा कंटेंट है जिसमें जो पूरा वो बॉडी टैग के एलिमेंट। मतलब हमें इस चैप्टर में क्या देखा, फर्स्टली कि टैग स्टार्ट कहाँ से होता है, एंड कैंड कहाँ से होता है, उसके बाद स्टार्ट टैग, एंड टैग और उसके वो बीच में एलिमेंट कंटेंट, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट उसके बॉडी के H1 है, उसके बाद हमने देखा पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग के एलिमेंट, उसमें बीच में जो होता है, जैसे कि देखो H1 जो है वो हेडिंग है, तो उसका स्टार्ट और एंड, और उसमें बीच में जो है वो माय फर्स्ट एलिमेंट जो है वो है एलिमेंट कंटेंट। सेम पैराग्राफ टैग के लिए पैराग्राफ स्टार्ट एंड और बीच में जो है वो एलिमेंट कंटेंट। अभी एक ध्यान में रखिएगा कि ये पी टैग है, कोई भी टैग है वो बीच में ना छोड़े, उसको पूरा कीजिएगा, जैसे कि पी टैग एंड करना बोल गए वैसे। अभी देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि दो लाइंस लिखे हैं, माय फर्स्ट एलिमेंट
वो देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब मैंने रन किया था वो एक ही लाइन पे आए थे, तो मुझे वो नेक्स्ट लाइन लेने के लिए बी आर टैग यूज़ करना पड़ता है। बी आर टैग का फंक्शन है कि वो नेक्स्ट लाइन ब्रेक करता है, ये उसका फंक्शन है एक्चुअल। और मैंने जैसे अभी लिखा है वो इसी टाइप से बी आर टैग कभी ना लिखना क्योंकि वो गलत है, इसलिए मैंने लिख के दिखाया। हाँ, आपको मैंने इसलिए डाल के दिखाया कि तो आपको पता चले कि बी आर आई से लिखा तो भी वो वर्क करता है, लेकिन ये गलत है। वो क्लोज जैसे मैंने किया है वैसे क्लोज ना करें, जस्ट बी आर लिखिएगा, ओपनिंग बी आर लिखिएगा, उसका क्लोजिंग वैसे डालने की ज़रूरत नहीं। और यह आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो टैग है पी टैग, फॉर एग्जाम्पल पी टैग, ये मैं स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ पी टैग, वो दूसरा पी टैग लिख रहा हूँ वो बिग लेटर में लिख रहा हूँ। अभी ये दोनों सेम वर्किंग करेंगे। वर्किंग सेम कर रहे हैं, मतलब ये क्या है कि ये जो है एचटीएमएल टैग केस सेंसिटिव नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, मतलब वो सेंसिटिव नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हो।